अगला टॉपिक हमारा इस क्लास में है सिलेक्शन मेथड। सिलेक्शन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल में, क्योंकि अगर आप कोई भी काम करते हैं, चाहे पिवट करे, चाहे कॉपी करे, चाहे पेस्ट करे, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, बगैर सिलेक्शन ना आप पिवट लगा सकते हैं, बगैर सिलेक्शन ना आप कॉपी कर सकते हैं, बगैर सिलेक्शन कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। जैसे कि अगर मुझे इसको सिलेक्ट करना है तो जस्ट कंट्रोल ए कीजिए, ये पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाता है। अब ये कंट्रोल ए जो शॉर्टकट है किस ऑप्शन को ट्रिगर करता है, तो यहां फाइंड एंड सिलेक्ट में गो टू ए स्पेशल और इसमें आपके सामने आता है करेंट रीजन, इसको ट्रिगर कर। लेकिन इसकी प्रॉब्लम है, जैसे कोई अगर ब्लैंक रो बीचों बीच है तब हम कंट्रोल ए करेंगे तो ये आपकी सिलेक्शन इससे ऊपर का ही करेगा, उससे नीचे का नहीं करेगा। ओके ये छोटा सा दिक्कत है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे का ऑप्शन ये है कि अगर मान लीजिए कि ऐसा ब्लैंक हुआ तो क्या करेंगे, तो इसके लिए सिलेक्शन करने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे स्टार्टिंग में क्लिक करें, शिफ्ट को प्रेस करें और सबसे लास्ट में क्लिक करें। ओके, स्टार्टिंग में क्लिक करें और शिफ्ट को क्लिक करें और सबसे लास्ट में प्रेस करें शिफ्ट के साथ क्लिक करें, तो ये आपका पूरा एरिया सिलेक्ट हो जाए। इसके नीचे ब्लैंक है क्या है उससे कोई मतलब नहीं। दूसरा, आप अपने एरो की कोई मूव कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल प्रेस करते हुए आपने डाउन किया तो कर्सर डाउन आ जाएगा, लेफ्ट किया तो लेफ्ट आ जाएगा, अप किया तो अप आ जाएगा, राइट किया तो राइट आ जाएगा। ठीक है, ये सिलेक्शन है। लेकिन मुझे इसको सिलेक्ट कर से मूव नहीं, सिलेक्ट भी करना है तो कंट्रोल शिफ्ट को कीजिए, राइट कीजिएगा तो राइट में, डाउन कीजिएगा तो डाउन में सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसको राइट से राइट में एंड डाउन से डाउन में सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर इसे बीच में ब्लैंक हुआ तो आपका यहीं पे आके रुक जाएगा, इसलिए ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ओके ओके हाँ। उसके बाद मान लीजिए कि मुझे मल्टीपल सिलेक्शन चाहिए, मतलब कि मुझे कुछ सब कुछ सिलेक्ट करना है, तो जनरली आप लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्रेस करते हैं और सिलेक्ट कर लेते हैं क्या? देखिए इसमें भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको फॉर्मेटिंग वर्टिंग करनी है तो इसका यूज कर सकते हैं, कॉपी करना है तो ऐसी सिलेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगी, मतलब कि इस तरह से कहीं भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपको कॉपी करनी है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिर्फ कंट्रोल प्रेस करके यहां भी मैं तीन कॉलम ही सिलेक्ट करूंगा, याद रखिएगा सेम सीक्वेंस, मतलब कि हमने ऊपर एबीसीडी को सिलेक्ट किया है तो नीचे भी एबीसीडी एबीसीडी एबीसीडी, रो कोई भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीन कॉलम किया है तो तीन कॉलम ही सिलेक्ट होना चाहिए, तब कॉपी हो, और कहीं भी इसको पेस्ट करेंगे तो वहां पे सीक्वेंस ही है। आपने सिलेक्ट इसमें गलती की से ऊपर तीन कर लिया, यहां भी तीन कर लिया, यहां भी तीन कर लिया, उसके बाद यहां एक कर लिया, तो ये आपका कॉपी नहीं होगा। उसी तरह से सीन, अगर आपने रो, अगर आपने मान लीजिए 2 से लेके 7 तक हमने सिलेक्ट किया है, तो यहां अप्रैल में भी मुझे 2 से लेके 7 तक ही सिलेक्ट करना होगा, और आगे अगर कहीं करना चाहते जिस भी कॉलम में करेंगे तो उतना ही कॉलम करेंगे, सबका सेम बराबर होना चाहिए सब, और तब ये आपका कॉपी होगा और फिर पेस्ट होगा, इसका भी आप ख्याल रखिएगा। दूसरी चीज यहां पे, जैसे कि मुझे 2 सेल्स है, एक साथ 2 सेलों का डेटा कॉपी करना है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहां पे कंट्रोल पेस्ट करके इस पे चले गया और फिर इसको कॉपी करता कर लिया और फिर किसी सीट में इसको हम पेस्ट करते हैं तो क्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने 2 शीट का यहां पे एक ही सेल का था, 2 का नहीं आया।
क्या हो गया उसको, किसी भी तो हफ्ता में काट बात सिलेक्शन मेथड थी, इसको यूज कीजिए आप लोग, ठीक है सर। कल की क्लास में हम फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो क्लास आपकी स्टार्ट होगी सेक्शन, अभी आपने क्लिपबोर्ड सेक्शन को खत्म कर लिया है, अब हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मेटिंग की, जिसमें आपको नॉर्मल फॉर्मेटिंग से लेके कस्टम फॉर्मेटिंग से लेके कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में समझाया जाएगा। ओके सर, ठीक, बट इसकी प्रैक्टिस आप जारी रखिए। तो मिलते हैं कल सेम टाइम, ठीक, ओके बाय।